अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को पढ़ रहे हैं और हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को पढ़ते हुए हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन पहले स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया जेड टेस्ट को और टी टेस्ट को। उसमें हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस टेस्ट किया वो पॉपुलेशन पैरामीटर मीन था और उसके अगेंस्ट किसी वैल्यू को रखते थे, जैसे मीन इज इक्वल टू 30 या मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या लेस देन इज इक्वल टू 30, और अकॉर्डिंगली हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाते थे। और उसका हमने 5-स्टेप प्रोसीजर भी किया, जिसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल रीजन, टेस्ट स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन शामिल है। वो सारे हमने मैनुअली देखा और हमने उसको फिर, हमें पता है कि हम अपनी कंक्लूजन कैसे बनाते हैं कि जनाब अगर एक वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेट करते हैं और वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बनाते हैं। वो जो काम हमने मैनुअली किया था और उसके सारे स्टेप्स की, उसको देखा कि वो कैसे करता है काम, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिंगल मीन के लिए किया, फिर उसको हमने ZT के साथ करने के बाद गाइस्के टेस्ट किया। लेकिन वो जो हमने सारा प्रोसीजर किया है, अभी मैं सिंगल मीन की बात करता हूँ मैनुअली, उसको हम अब SPSS में करने जा रहे हैं कि SPSS में हम वही काम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन जो हमने मैनुअली किया है उसको मैं आपको अब SPSS में बताने लगा हूँ। अब चूंकि आपको बैकग्राउंड पता है ना सारा के काम किस तरह से होता है, तो अब आपको ये भी पता होगा, यानी जब डिसीजन SPSS में करेगा तो आपको पता होगा कि SPSS ने किस तरह से डिसीजन बनाया है। लेकिन अगर आप शुरू में इस पर आ जाते तो शायद आपको उस तरह से बैकग्राउंड ना पता होती, तो इसलिए पहले आपको वो बैकग्राउंड या न्यूमेरिकल करवाए हैं ताकि आप यहाँ पर आकर उसकी बैकग्राउंड का आपको अंदाजा हो। तो मैं पहले, आपको पता है कि जिस तरह SPSS में कुछ डेटा सेट अवेलेबल होते हैं, तो मैं कोई डेटा सेट ले लेता हूँ और उस डेटा सेट को यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको पता है हम ओपन से जाते हैं डेटा पे, डेटा से हमने जहां पर SPSS को इंस्टॉल किया होता है आमतौर पे सी ड्राइव में होता है, तो सी ड्राइव को ओपन करते हैं और सी ड्राइव में हम प्रोग्राम फाइल से IBM, IBM से SPSS स्टैटिस्टिक्स 20 एंड देन सैंपल्स इंग्लिश, और ये वो सारी फाइल्स हैं जो हम, जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें बैंक लोन, जो हम पहले भी करते रहे, बैंक लोन डॉट बाइंडिंग भी करते हैं, तो मैं इसमें से बैंक लोन बाइंडिंग वाली फाइल को ओपन कर लेता हूं। अच्छा स्क्रीन शेयर वगैरह हैज स्टॉप्ड एज द शेयर विंडो इज क्लोज्ड, शेयर विंडो एक, हाँ ओके मैं शेयर कर दूं क्योंकि नहीं खुली है डेटा फाइल, तो ये अब आपके पास शेयर हो गई। अच्छा ये फाइल ओपन हो गई, एक नई विंडो खुली है ना, तो वो शेयर करने के लिए आपसे, तो ये फाइल ओपन हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें और यहाँ पर आपको कहता चलूँ। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पास SPSS ना हो तो उनको प्रैक्टिस शायद वो ना कर सके, लेकिन आप कम अज कम इतना आपको एक्सपर्टी होनी चाहिए कि एक तो आपको ये पता चल जाए काम कैसे होता है, और दूसरा जो रिजल्ट्स आए ना, मेन जो काम है जो रिजल्ट्स आए उनकी इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, मिसाल के तौर पर आप अगर, आपको मैं एक डेटा सेट देता हूँ कि आप इकट्ठा करें, तो आप उसे अपने किसी दोस्त को भेज के कहते हो यार मुझे इसके रिजल्ट्स निकाल कर दे दो, तो वो तो आपको पता है ना कैसे रिजल्ट्स आए। अगला काम क्या होता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन लिखना, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप खुद लिख लो और वो अकॉर्डिंगली आप कर लो। तो अगर आपके SPSS आपके पास नहीं भी है तो आपको ये काम आपसे हो जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन वगैरह आपने खुद लिखनी है जो मेन काम, ठीक है, बाकी आप इसको मैनेज कर लो। अच्छा जनाब, तो ये डेटा सेट है हमारे पास, इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं, जैसे आप एज देख सकते हैं, एजुकेशन है, एम्प्लॉय है, एड्रेस है, एंड इनकम है, डेट टू इनकम है, क्रेडिट डेट है, एंड सो ऑन। इसका वेरिएबल व्यू हमें पता है कि कुछ स्केल वेरिएबल है और एक वेरिएबल ये एजुकेशन, और यहाँ पर डिफॉल्ट ये हमारे पास यहाँ पर नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर है और बाकी सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब एक बात यहाँ पर पहले बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो कि ये जो मीन की टेस्टिंग होती है ना, आप जब मीन की टेस्टिंग करते हो तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे होती है। किस पर होती है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल पर। क्वालिटेटिव वेरिएबल
के लिए ये नहीं होती, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए होती। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए है ये, ठीक है, पहली बात ये होगी। इसका मतलब है ये एजुकेशन और डिफॉल्ट, ये दो ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव हैं, जिनकी कैटेगरीज है। बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव हैं और उन पर आप वो मीन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि जनाब, ओके, कि हम इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं सिंगल मीन की टेस्टिंग को। और ये एज है, एज मैं इसको टेस्ट करूं, एज को मैं एनालाइज में जाता हूं और मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा, हाइपोथेसिस मैंने सोच लिया, मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या ये जो डाटा सेट मैंने लिया है, इस पूरे पूरे डाटा सेट में जो लोग हैं क्या उनकी एवरेज एज 40 है। इसका मतलब मैं ये समझना चाहूंगा ना कि यार जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कि ये 40 साल के इर्द-गिर्द के लोग हैं, ऑन द एवरेज उनकी एज क्या 40 है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मैंने टेस्ट करना है कि एज इज इक्वल टू 40 है या 40 नहीं है, राइट, ताकि मुझे पता चल सके जिन लोगों को मैंने स्टडी किया उनकी एवरेज एज कहाँ फॉल कर रही। तो मैं जाऊंगा एनालाइज पे, एनालाइज से मैं जाऊंगा कंपेयर मीन्स पे, ठीक है। कंपेयर मीन्स से आप जाएंगे वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, ये प्रेस किया मैंने और ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहां पर मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर, ये बात मैंने, ये डिस्कशन मैंने पहले नहीं की हुई, इसलिए मैं अब आपको इसको यहां पर डिटेल से बता। नंबर वन, प्रोबेबली आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि अब ये वन सैंपल करने जा रहे हैं टी टेस्ट, तो यहाँ जी टेस्ट क्यों नहीं, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा बता दूं, ये शायद सबको पता भी ना चले लेकिन जितने लोगों के भी माइंड में रह जाए अच्छी बात। बच्चों एक बात याद रखना कि जहां पर आप जी टेस्ट लगाते हो, कहां लगाते हो, कि जब एन 30 से बड़ा हो जाए, एन 30 से बड़ा हो जाए तो आप जी टेस्ट लगाते हो, उस जगह पर आप टी टेस्ट भी लगा सकते हो। मैं फिर रिपीट कर, मैंने इससे पहले यही बताया कि जब एन 30 से बड़ा हो जाए तो आपने जी टेस्ट लगाना है, आपने वही न्यूमेरिकल में वही माइंड में रखे, लेकिन ब्रॉड सेंस में मैं आपको बता दूं कि वहां पर टी टेस्ट भी लग सकता है। यानी अगर आप किसी को बच्चा एन ग्रेटर देन 30 पर टी टेस्ट लगा देता तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट अप्रोक्सीमेटली जी टेस्ट ही बन जाता है जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता है। यही वजह है कि स्पेसिस सिर्फ हमें टी टेस्ट देता है, ठीक है। बहरहाल इस कंफ्यूजन को आप अपने माइंड में ना बिठाइएगा, वो जो न्यूमेरिकल किए वो उसी तरह कीजिए, और यहाँ पर बस ये माइंड में रखिए कि आपको सिर्फ टी टेस्ट ही मिलेगा। इससे आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बस आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म कर देनी है। इसमें से आपने वो वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिस पर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। एज पर हमने करनी है तो एज ले लें, अगर इनकम लिया होता तो इनकम ले लेता, अगर डेट टू इनकम कोई और न्यूमेरिकल वेरिएबल करना होता तो वो ले लेता। फिलहाल मैंने एज को कर, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया एज को और ये बटन प्रेस किया और ये एज इस तरफ आ गया टेस्ट वेरिएबल। टेस्ट वेरिएबल में एज को लाने के बाद आपने यहां पर टेस्टिंग हाइपोथेसिस की जो वैल्यू रखनी है वो लिखनी है 40, मैंने यहां पर 40 लिखना, ठीक है ना, आपको बताया था 40। ये 40 लिखने का मतलब है कि आप हाइपोथेसिस जो टेस्ट कर रहे हो वो टेस्ट कर रहे हो म्यू इज इक्वल टू 40। कौन सा हाइपोथेसिस कर रहे हो, म्यू इज इक्वल टू 40, याद रखना यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है म्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू की म्यू लेस, यहाँ हमेशा आप टेस्ट यही करेंगे म्यू इज इक्वल टू समथिंग, जो भी रखो 30 रखना है तो म्यू इज इक्वल टू 30। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि इसका हाइपोथेसिस लिखे तो आप लिखेंगे एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 30 और एच वन म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 30, ये इसका एच नॉट एच वन बनेगा। आगे चलते हैं जी, ओके प्रेस कर देंगे आप, यहाँ वो वैल्यू लिखी, फिर देख लें यहाँ से वेरिएबल इधर सेलेक्ट किया, यहाँ वो वैल्यू लिखी और यहाँ वैल्यू लिखने के बाद और कुछ नहीं करना, ओके कर देना। जब आप ओके करेंगे तो आई डोंट नो कि आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, मैं जरा इसे स्टॉप करके ना दोबारा से ये आउटपुट स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। ओके ओके, हाँ जी मेरा ख्याल है कि ये अब आपसे शेयर हो रही होगी आउटपुट स्क्रीन, ये आपके पास आउटपुट आएगा। ये जो आउटपुट आपके सामने आया है, ये आउटपुट है इसको प्रेस करने के बाद,
एज इन ईयर्स, ये जो पहला टेबल आपको बता रहा है, ये पहला टेबल आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन पूरे डेटा के बारे में, क्या कि कितनी वैल्यूज है, 5000 वैल्यूज है पूरे डेटा की जिस पर आपने परफॉर्म किया। उस पूरे पूरे डेटा का मीन जो आया ना वो 35.39 है, ये उसका मीन आया है। आपने क्या टेस्ट किया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 40 और जो सैंपल से है वो है 35.39, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये उसका स्टैंडर्ड एरर है, ये उस टी का रिजल्ट है जो आप कैलकुलेट करते तो आता। क्या फार्मूला था टी का, याद है आपको, एक्स बार माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, यही है ना। ये अगर आप ये कैलकुलेशंस यूज कर लें, ये स्मॉल एक्स बार है 35.39, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्मॉल एन है और म्यू आपका 40 रखा है आपने, कैलकुलेट करके देखें आपका आंसर ये आएगा 41.036। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इससे एक कम करना होता है, इससे एक कम कर दिया, वो ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो तरीके हैं टेस्ट करने के, एक कि हम इस टी वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू, वो फिगर बनाए और टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर कर लें, ठीक है, एक रास्ता तो ये है। और दूसरा और आसान रास्ता एसपीएसएस में वो ये है कि आप इस वैल्यू को देख लें, ये वाली वैल्यू, बच्चों ये टू टेल लिखा हुआ ना, टू टेल का मतलब है टू टेल टेस्ट है। इस वैल्यू को आपने अगर आप जनरली देखो तो आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना जनरली, वो क्या होता है 5%, क्या होता है जनरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, आपने इस वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करना है। लेकिन यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी ये जो 0.000 है इसको कंपेयर करो 0.05 के साथ, क्या ये वैल्यू छोटी है। अगर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो आपका 0.05 है उससे छोटी है, ध्यान से सुनना, अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी है तो आप एच नोड को रिजेक्ट कर दोगे, तो आप एच नोड को रिजेक्ट कर दोगे। फिर सुन लो, अगर ये वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू आपकी 0.05 से कम होगी तो आप एच नोड को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब जरा करेक्शन सुन लो, लेकिन अगर टू टेल टेस्ट है, क्या है टू टेल टेस्ट, तो फिर 0.05 के साथ नहीं बल्कि 0.025 के साथ, यानी 0.05 को 2 पर डिवाइड कर दो, क्योंकि टू टेल टेस्ट है ना, टू टेल टेस्ट में अल्फा के साथ, अल्फा था ना 0.05, अल्फा के साथ नहीं कंपेयर करना, फिर टू टेल टेस्ट में कंपेयर करना है अल्फा बाय 2 के साथ। फिर सुन लो, अगर तो ये टू टेल लिखा हुआ है तो इस वैल्यू को कंपेयर करना है अल्फा ओवर 2 के साथ, अल्फा अगर 0.05 है तो अल्फा बाय 2 करोगे तो आएगा 0.025। अब ये वैल्यू अगर 0.025 से छोटी है, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, अगर छोटी है तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, तो एच नॉट रिजेक्ट होगा। और अगर यहां पर टू टेल ना लिखा होता तो फिर अल्फा से ही कंपेयर कर, डायरेक्ट अल्फा से 0.05 से, और अगर 0.05 से छोटी होती तो एच नोट को रिजेक्ट कर देते। मैं इस बात को एक मरतबा फिर एक दो लाइनों में बता दूं, बच्चों बात यह है कि अगर टू टेल लिखा होगा तो इस वैल्यू को 0.05 से कंपेयर नहीं करना बल्कि 0.025 से कंपेयर करना, यानी अल्फा बाय 2 के साथ। और अगर यहां पर टू टेल ना लिखा होता तो फिर इसको डायरेक्ट अल्फा यानी 0.05 के साथ ही आप कंपेयर करते और अपना कंक्लूजन बना देते। अब सुनो, अगर आपको एक क्वेश्चन एसपीएसएस में करना होगा तो ये क्या होगा, नंबर वन प्रोबेबली ऐसा हो कि आपको एक डाटा दिया हो और आपको कहा जाए कि इसको एसपीएसएस में करें और हाइपोथेसिस को 40 के अगेंस्ट टेस्ट करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा एच नोड इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 40, एच वन म्यू नॉट इज इक्वल टू 40, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है तो लिख दो 5%, और उसके बाद आप अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये वैल्यू लिखो, डायरेक्ट फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख के डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दो। ये वैल्यू लिखकर आपने अब कोई क्रिटिकल रीजन नहीं बनाना एसपीएसएस में,
बल्कि आपने क्या करना है, आपने कहना है कि सिंस दिस वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू कहते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0.000 व्हिच इज लेस देन 0.025 अगर टू टेल टेस्ट है, व्हिच इज लेस देन 0.025, हेंस वी रिजेक्ट एथेनॉल। बस ये स्टेप्स इसमें आने हैं, एथेनॉल H1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके बाद सीधी टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखकर उसके बाद सीधा कंक्लूजन आपने लिख देना है, ठीक है। ये आपने, आपको मैं यही जो डेटा सेट है ना, इसी के लिए आपने मुझे सबसे पहले ये चार स्टेप्स लिखकर भेजने। एच नोड होगा म्यू इज इक्वल टू 40, एच वन होगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 40, सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, उसमें फॉर्मूला लिख दें, साथ इज इक्वल टू ये आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है, यही आंसर -41.036 लिख दें, कंक्लूजन सिंस सिग्निफिकेंट वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 0.000 इज लेस देन 0.025, हेंस वी रिजेक्ट इट। ये कंक्लूजन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। कोई भी डेटा सेट होगा उसके लिए, अब जिनके पास SPSS अगर नहीं होंगे तो मैं डेटा दूंगा अगर उन्हें, तो अपने किसी दोस्त से ये रिजल्ट मंगवा लेंगे और उनकी इंटरप्रिटेशंस या स्टेप्स को खुद ही लिख लेंगे। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। मैं बहरहाल आपको इस प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ कि सिंगल मीन की टेस्टिंग के लिए आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द से कोई 10 लोगों से एज पूछ लें, कोई अंदाजन रख लें, अगर सपोज आपने बच्चों से लिया है तो उसको अंदाजन 10 के अगेंस्ट टेस्ट कर लें, 10 इयर्स के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है कि एवरेज 10 साल होगी इनकी ना, तो अंदाजन एक अंदाजन रख के ना एच नोड रख लें और उसको टेस्ट कर लें। अगर बड़ों से लिए तो अंदाजन 25 साल रख लें, अगर 35 साल रख लें, अंदाजन 10 लोगों से आप डेटा इकट्ठा करें और एच नोड को अंदाजन रख लें और टेस्ट करके अपने रिजल्ट्स को और फिर वो स्टेप्स करके जो चार स्टेप्स मैंने बताए ये करके ये काम आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल मीन की टेस्टिंग स्पेसेस में कंप्लीट हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।